हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली रेसिपी। तो आज की क्लास में हम एक रियल टाइम एग्जांपल को पढ़ने वाले हैं, किस तरह से प्रोसेस होगा वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कंपनी वांट टू ट्रांसफर जीएल मास्टर, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, मेटल मास्टर फ्रॉम क्लाइंट 800 टू 810 क्लाइंट विद इन एसएससी। मतलब क्या हुआ, कंपनी चाहती है, कंपनी एक सेंट्रल सिस्टम बनाती है जिसमें वो अपने जीएल मास्टर, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, मेटल मास्टर बनाती है। और कंपनी चाहती है कि हम एक पर्टिकुलर क्लाइंट को उसे बनाए और जितने भी हमारे लाइक कंपनी कॉल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं सब में ऑटोमेटिकली हमारे जीएल मास्टर, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, मेटल मास्टर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, जैसे सपोज एक जीएल बनाया हमने, एक हमारा डेवलपमेंट या एक क्लाइंट हमने बना लिया जिस पर हम जीएल्स क्रिएट करते हैं। ओके, और 810 हमारा प्रोडक्शन क्लाइंट है जिस पर सारे यूजर्स काम करते हैं। तो जब भी कोई नया जीएल्स या वेंडर मास्टर, कस्टमर मेटल मास्टर बनेगा तो वो किस पर बनेगा, 800 पे, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे 810 पे और वो यहाँ से यहाँ पर जाएगा, हमें 810 पर बनाना नहीं है। ओके, तो ऐसी कुछ भी हो सकता है मास्टर डेटा। तो आज हम इसको पर्टिकुलर देखेंगे। तो बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये बेसिकली आईडॉक के थ्रू होता है। तो आईडॉक का पूरा पार्ट हमने अपने कोर्स में कंप्लीट किया हुआ है डिटेल में। ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आके आप अगर कोर्स पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको S/4HANA का SAP FICO कोर्स मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो पूरा आईडॉक हमने डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, और अभी कंप्लीट नहीं है, और भी वीडियोस अभी इसमें ऐड ऑन होंगी, न्यू वीडियोस जो आती है वो ऐड ऑन होती रहती है। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमने कंप्लीट कराई हुई है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं किस तरह से वो ट्रांसफर होगा बेसिकली। ओके, तो वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आते हैं हम, एसएपी में और देखते हैं किस तरह से प्रोसेस इम्प्लीमेंट होगा। तो एसएपी में देखिए, दो क्लाइंट है हमारे 800 और 810। तो पहले 800 को लॉगिन कर लेते हैं। अब आते हैं हम, अब लॉगिन करते हैं 810 को। देखिए 810, नीचे देखिए 810 है यहाँ पर 810, और ये वाला क्लाइंट है हमारा 800। तो हमें 800 इस क्लाइंट से कहां पर ट्रांसफर करना है डेटा, 810 में। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं FSW में, एक जीएल क्रिएट करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करके देखते हैं। तो हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं, हम एक जीएल बनाते हैं 5 इनकम अकाउंट में बना रहे हैं, लाइक हम बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीव। ओके, इंटरेस्ट रिसीव का जीएल हम क्रिएट कर रहे हैं। P&L में आएगा, कंट्रोल डेटा में आएंगे लाइन आइटम, और यहाँ पर आएंगे फील्ड स्टेटस 001 और इसको यहाँ से सेव। अब देखिए ये इनकम अकाउंट हमारा ये वाला 500000 बन चुका है। अब आते हैं हम अपने 810 क्लाइंट पे FSW। तो ये हमारा प्रोडक्शन क्लाइंट है जिसपे एंड यूजर काम करते हैं। देखिए वही ZHP1 यहाँ भी है और ZHP1 यहाँ भी है। ओके, तो जीएल यहाँ क्रिएट होते हैं, यहाँ क्रिएट जीएल नहीं होते, यहाँ ऑथराइजेशन नहीं दी होगी, ठीक है, रियल टाइम। अब देखिए यहाँ पर इनकम का कोई आपको डिस्प्ले नहीं होगा फोल्डर, इनकम का कोई फोल्डर नहीं है, बट यहाँ पर हमारा इनकम का एक फोल्डर आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये जीएल यहाँ से कहाँ पर चला जाए, इस वाले क्लाइंट पे 810 पे। ओके, तो अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप पूरा डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, सिंपल एंड इजी वे में है। इन सब कोर्स के साथ आपको सर्वर एक्सेस, नोट, सर्टिफिकेट, सब चीजें मिलेंगी। बस जस्ट आपको यहाँ पर लॉगिन करके साइन अप करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है और प्रोसेस करके चेकआउट कर देना है। कोई भी क्वेरी है तो यहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब करते हैं किस तरह से जीएल ट्रांसफर होगा। तो हम बैक आते हैं इजी एक्सेस पे। तो उसके लिए हमारा टी कोड क्या है, BD10। कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन हमने अपने पूरे कोर्स में डिटेल में कवर किए, आप कोर्स में हम देख सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर एंड यूजर हम कर रहे हैं।
तो बी डी 18 में आएंगे, बी डी 18 के कोड में आएंगे, बी डी 18 यहाँ पर आएंगे, पूछेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा ZHP1, कंपनी कोड भी ZHP1, और हमारा GL जो हमने अभी बनाया वो कौन सा है, ZHP1 में ही था, और ये वाला है इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये GL हमने क्रिएट किया है। अब लॉजिकल मैसेज, लॉजिकल मैसेज जो GL का होता है वो कौन सा होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। GL का होता है GL मास्ट, मेटल मास्टर का होता है मेट मास्ट, वेंडर का होता है क्री मास्ट, और कस्टमर वेंडर का मास्टर का डैम मास्ट। तो ये भी हमने पूरे अपने कोर्स में डिटेल में किस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी बता रखा है। तो अभी हम यूज करेंगे GL मास्ट फॉर GL। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं GL मास्ट, हो गया, और यहाँ से इसको सेंड GL अकाउंट कर देते हैं। वन मास्टर IDOC सेटअप फॉर मैसेज टाइप GL मास्ट, ओके कर देंगे। वन कम्युनिकेशन IDOC जनरेटेड फॉर मेटल टाइप GL मास्ट, ओके कर देंगे। देखिए ओके हो गया। यहाँ पर अब आते हैं 810 पे, ओके बैक आते हैं, और यहाँ पर आते हैं FS00 में 810 पे हूँ। देखिए आ गया इनकम अकाउंट यहाँ पर भी, देखिए पूरा GL यहाँ पर हमारा ट्रांसफर हो गया। देखिए कहाँ बनाया था हमने, हमने बनाया था किसने 800 में, और यहाँ पर ये आ गया। इस तरह से प्रोसेस चलता है। इसके थ्रू आप GL मास्टर, मेटल मास्टर, कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते। तो बाकी आपको पूरा कोर्स करना है तो ये डिटेल में हमारी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।